कोरिया में नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बता दें कि 9 नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर बैकुंठपुर में कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि पहली मांग नगरीय निकायों में प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजडी के माध्यम से सुनिश्चित हो। दूसरी मांग, नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकायों में माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए। 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। साथ ही नगरीय निकायों में अन्य विभाग की तरह ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र लागू करने की आदेश जारी की जाए। सबसे पहला जो मूल विषय है हम लोगों का, नगरीय निकाय में जो पेमेंट का जो सिस्टम चल रहा है अभी, जैसे ट्रेजरी बाकी विभागों में ट्रेजरी पेमेंट होता है वो या तो हफ्ता या महीने के आखिरी वर्किंग डे या फिर महीने के दूसरे महीने के शुरू दिन मिल जाता है। हमारे यहाँ भुगतान हमारा 2-3 महीना पीछे चलता है। मेन मुख्य मांग यही है कि हमको जो सैलरी है वो ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए या फिर ये सिस्टम ट्रेजरी कैसा बनाया जिसमें 1 तारीख को अपने भुगतान हो जाए या पहले वर्किंग डे में। हम लोगों ने नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो है आज 18 से 20 तक 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा मुख्य मांग यही है कि हम लोगों को एक निश्चित समय पर जो है वेतन भुगतान किया जाए। क्योंकि क्या है कि नगरीय निकाय के कर्मचारियों को प्रत्येक माह पेमेंट हो नहीं पाता, 2 या 3 माह हो जाते हैं उसके बाद 1 माह का पेमेंट दिया जाता है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है काफी बिगड़ रही है। और दूसरा ये कि हमारे राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं राज्य शासन ने उनको ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन के तहत जो है मान्यता प्रदान कर दी है, परंतु हमारा नगरीय प्रशासन जो है वो हमको नवीन पेंशन में ही रखा है, हमारे ऊपर जो है पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है जिससे हमको भविष्य की चिंता है। बस हमारी यही जो 2 प्रमुख मांगे हैं।